कभी सोचा है कि ऐसी जगह भी हैं जहां रात के अंधेरे में डरावनी कहानियां जिंदा हो उठती हैं, ऐसी जगह जहां दीवारें आपसे बातें करती हैं और हर कोने में मौत का साया मंडराता रहता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दुनिया के उन 7 सबसे शापित घरों की, जहां रहस्य, डर और अंधेरे का एक अद्भुत संगम होता है। इन घरों में हुई भयानक घटनाएं और रहस्यमयी मौतें आज भी लोगों को डराती हैं। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां आप इन 7 शापित घरों के बारे में जानेंगे। हम आपको बताएंगे कि इन घरों में क्या क्या हुआ, इनसे जुड़ी डरावनी कहानियां क्या हैं और इनके पीछे छिपे रहस्य क्या हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां आपकी रूह कांप उठेगी। तो देर किस बात की, इस वीडियो को अभी देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नंबर 1, रोज कॉटेज, इंग्लैंड के हरे भरे परिदृश्य में स्थित एक ऐसा स्थान है जहां हर पत्थर, हर दीवार, हर गुलाब की पंखुड़ी एक रहस्य छुपाती है। ये कॉटेज बाहर से जितना सुंदर लगता है, अंदर से उतना ही डरावना है। कहा जाता है कि रात के अंधेरे में जब चांद की किरणें इस कॉटेज पर पड़ती हैं, तो एक सफेद लिबास में एक महिला की छाया गुलाब के बगीचे में घूमती फिरती है। उसकी आंखें खाली होती हैं और उसका चेहरा बेजान। वो धीरे धीरे गुलाब के झाड़ों के बीच से गुजरती है, मानो किसी की तलाश में हो। इसके साथ ही रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये आवाज कभी एक बच्चे के रोने की जैसी लगती है, तो कभी किसी महिला के विलाप की। कुछ लोग कहते हैं कि यह आवाज उसी महिला की है जो गुलाब के बगीचे में घूमती है। रोज कॉटेज के बारे में कई किस्से प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस कॉटेज में एक परिवार रहता था जिसकी बेटी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उस लड़की की आत्मा अब इस कॉटेज में भटकती रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि इस कॉटेज में एक खजाना छिपा हुआ है जिसकी रक्षा में एक भूत लगा हुआ है। सच क्या है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तो तय है कि रोज कॉटेज एक ऐसा स्थान है जहां हर कोने में रहस्य छिपा हुआ है। क्या आप इस रहस्यमयी कॉटेज में रात बिताने की हिम्मत जुटा पाएंगे? नंबर 2, विल्सन हाउस का नाम सुनते ही रूह कांप उठती है। यह हवेली अमेरिका में स्थित है और अपनी डरावनी कहानियों के लिए मशहूर है। रात के अंधेरे में जब चांद की किरणें इस हवेली पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है मानो यह हवेली किसी राक्षस की तरह जीवित हो गई हो। कहा जाता है कि इस हवेली में एक परिवार रहता था जिसका अंत बहुत ही दर्दनाक हुआ था। इस परिवार के सदस्यों को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया गया था। कहते हैं कि उनकी आत्माएं अब भी इस हवेली में भटकती रहती हैं। रात के अंधेरे में इस हवेली से किसी महिला के चीखने की आवाज, कई बार तो ऐसा लगता है मानो कोई दीवारों को खरोंच रहा हो। इस हवेली में एक रहस्यमय कुत्ता भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह उस परिवार का कुत्ता था जिसकी हत्या हुई थी। ये कुत्ता रात के अंधेरे में हवेली के आसपास घूमता रहता है और कभी कभी लोगों पर हमला भी कर देता है। वैज्ञानिकों ने इस हवेली की जांच की, लेकिन उन्हें कुछ भी साबित करने में सफलता नहीं मिली। लेकिन जो लोग इस हवेली में गए हैं, वे जानते हैं कि यहां कुछ तो है। नंबर 3, लंदन का शांत उपनगर, जो कभी शांति का प्रतीक था, अचानक 1977 में डर के साए में आ गया। एनफील्ड के एक घर में रहने वाले एक परिवार की जिंदगी तब बदल गई जब उनके घर में अदृश्य शक्तियों का साया मंडराने लगा। दरवाजे खुद ब खुद खुलते, फर्नीचर हवा में तैरता और अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। सबसे डरावनी बात तो यह थी कि बेटियों में से एक का बिस्तर हवा में उड़ जाता था और वह एक अजीब सी आवाज में बात करती थी, मानो उसके शरीर पर कोई दूसरी शक्ति काबू पा चुकी हो। यह घटना इतनी डरावनी थी कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई। विशेषज्ञ और शोधकर्ता इस घर में आए और उन्होंने इन घटनाओं को अपने कैमरे में कैद किया। कुछ लोगों का मानना था कि यह सब आत्माओं का खेल है, लेकिन कुछ घटनाएं इतनी अजीब थीं कि उन्हें नकारा नहीं जा सकता था। आज भी एनफील्ड पोल्टरगेस्ट की कहानी लोगों को डराती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे आसपास ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। क्या यह सच था या सिर्फ एक छलावा? ये सवाल आज भी लोगों के मन में उठता है। लेकिन एक बात तो तय है कि एनफील्ड का यह घर एक ऐसा रहस्य है जिसे अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है। नंबर 4, मास्टन हाउस, इंग्लैंड में स्थित एक ऐसा हवेली है जो अपनी डरावनी कहानियों के लिए मशहूर है।
16वीं शताब्दी में बना यह आलीशान भवन अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन इसकी दीवारों में आज भी एक दर्दनाक कहानी दबी हुई है। कहा जाता है कि इस हवेली में एक जवान लड़की की आत्मा भटकती रहती है। इस लड़की को प्यार में धोखा मिला था और उसने हताश होकर खुदकुशी कर ली थी। अब उसकी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है और अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। यहाँ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज तो कभी किसी महिला के चीखने की आवाज। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने इस हवेली में उस लड़की की आत्मा को देखा है। वह एक सफेद साड़ी पहने खिड़की के पास खड़ी होती है और अपनी आंखों में एक अजीब सी उदासी लिए हुए होती है। वह उन लोगों को घूरती रहती है जो उसकी ओर देखते हैं। कहा जाता है कि जो कोई भी इस हवेली में जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता, उसकी आत्मा उन्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती है। मास्टन हाउस एक ऐसा स्थान है जहां आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी आपको क्या महसूस कराती है? क्या आप इस हवेली में रात बिताने की हिम्मत जुटा पाएंगे? नंबर 5, एथल हैम्पटन हाउस। कहा जाता है कि इस हवेली में दो आत्माएं भटकती रहती हैं, एक बंदर की जिसे सदियों पहले किसी ने क्रूरतापूर्वक मार डाला था, और दूसरी एक महिला की जो इस हवेली की मालकिन थी और एक रहस्यमयी परिस्थिति में मर गई थी। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने इस हवेली में उस बंदर की परछाई को सीढ़ियों पर दौड़ते हुए देखा है और उस महिला को खिड़की के पास खड़ी होकर रोते हुए देखा है। वह खिड़की के पास खड़ी होती है और अपनी आंखों में एक अजीब सी उदासी ली हुए होती है। वह उन लोगों को घूरती रहती है जो उसकी ओर देखते हैं। कहा जाता है कि जो कोई भी इस हवेली में जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता, उनकी आत्माएं उन्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती हैं। नंबर 6, इंग्लैंड का बोरले रेक्ट्री अपनी डरावनी कहानियों के लिए मशहूर है। इस हवेली को दुनिया का सबसे भूतिया घर माना जाता है। 18वीं शताब्दी में बना यह आलीशान भवन अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। कहा जाता है कि इस हवेली में एक नन की आत्मा भटकती रहती है। इस नन को एक पादरी से प्यार हो गया था, लेकिन दोनों के प्यार को स्वीकार नहीं किया गया। नतीजतन नन को जिंदा दीवारों में छिनवा दिया गया था। उसकी आत्मा अब भी इस हवेली में भटकती रहती है और अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। बोरले रेक्ट्री एक ऐसा स्थान है जहां आपकी रूह कांप उठेगी। यहां कुछ और बातें जो इस कहानी को और भी डरावनी बना सकती हैं। हवेली में एक ऐसा कमरा है जहां उस नन को जिंदा दीवारों में चिनवा दिया गया था। इस कमरे में खून के निशान हैं और रात के समय यहां एक ठंडी हवा चलती है। हवेली के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो किसी और दुनिया से जुड़ी हुई है। हवेली के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, लेकिन जब आप उस कमरे में जाते हैं तो वहां कोई नहीं होता। नंबर 7, अमेरिका के क्लिफ ड्वेलिंग्स अपनी डरावनी कहानियों के लिए मशहूर हैं। ये चट्टानों में बने घर प्राचीन लोगों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में बताते हैं। कहा जाता है कि इन गुफाओं में रहने वाले लोग अंधेरे जादू और रहस्यमयी रीति रिवाजों का पालन करते थे। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने इन गुफाओं में अजीबोगरीब आकृतियों को देखा है। ये आकृतियाँ मानव और जानवरों के बीच का मिश्रण लगती हैं। कहा जाता है कि ये आकृतियाँ ही इन गुफाओं की रक्षा करती हैं। कहा जाता है कि जो कोई भी इन गुफाओं में जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता, उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इन गुफाओं में कैद हो जाती हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की वीडियो में। बस इतना ही आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।